हेलो व्यूवर्स, आप सबका खुश आमदीद और भलीकार है सिंधी रंधणे में। आज मैं आपके साथ सिंधी बाजर की खिचड़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैंने ये 1 कप चावल लिए हैं, 1/3 कप बाजरा लिया है साबुत, उसके बाद 1/2 कप मैंने हरी वाली दाल ली है, उसको हम इसमें शामिल करेंगे और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 20 से 25 मिनट मैं इसको पानी में भिगो के रखूंगी। और मैंने ये चावल, दाल और बाजर को मिक्स करके भिगो दिया है। ये चावल हमने 25 मिनट के लिए पानी में सोक कर लिए थे, ये हो चुके हैं। और ये मैंने दूसरी साइड पर प्रेशर कुकर में तकरीबन पानी रखा था 8 से 10 कप, और उसके बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून घी डालेंगे, क्योंकि सिंधियों की जब खिचड़ी बनती है उसमें घी का टेस्ट ज़रूर आता है। और नमक डालेंगे एज पर टेस्ट, और ये प्रेशर कुकर में पानी भी गर्म हो चुका है, इसमें डाल रहे हैं। और ये खिचड़ी जो है सर्दियों में मोस्टली सिंधियों के घर में बनाई जाती है और बड़े बच्चे सब खाते हैं, तो ये इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अब मैंने ये चावल, दाल वगैरह सब डाल दिए हैं, तो हम थोड़ी देर खिचड़ी को इसमें इस तरीके से चम्मच डाल के थोड़ी देर पकने देंगे। इसका फ्लेम मैंने मीडियम पे रखा था, चावल जो है हमारे 1/2 पक चुके हैं, तो अब इसका फ्लेम हम स्लो कर देंगे, स्लो पे रख के, और फिर हम ढक्कन देंगे। अगर हम लोग पहले ढक्कन देते तो इसका पानी जो है प्रेशर कुकर में बाहर निकल जाता, तो इसलिए मैंने इसका 1/2 पका के फिर इसको ढक्कन दिया है। तो अब 2 विसल बजने के बाद जो है आपको इसका फ्लेम ऑफ कर देना है और ये आपको स्लो पे रखना है। अब ये प्रेशर कुकर हम ढक्कन खोल रहे हैं और ये गरम गरम सिंधी बाजर की खिचड़ी खाने के लिए रेडी हो गई है। अब हमने इसके ऊपर घी लगा लिया है और ये सिंधी बाजर की खिचड़ी खाने के लिए रेडी हो गई है। ये सिंधी बाजर की खिचड़ी आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल पर फीडबैक दीजिएगा, मेरे चैनल पर लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिए, और ये सिंधी बाजर की खिचड़ी अपनों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।